बर्फ में बदली नदी, बर्फ से ढका पेड़, सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। जहां जाओगे बर्फ ही बर्फ पाओगे। कुछ यही नजारा है आधे हिंदुस्तान का, जहां नया साल तो आया लेकिन बर्फ अपने साथ लाया है। दिसंबर बीतने के बाद जनवरी में भी ठंड का प्रकोप जारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि बद्रीनाथ पूरी तरह जम चुका है। झील, झरने, नदी से लेकर नाले तक सब फ्रीज हो चुका है। जिस जगह पर आज लोग खड़े हैं वहां पहले बहता पानी होता था, लेकिन ठंड ने बहते पानी को मजबूत बर्फ में तब्दील कर दिया है। बर्फ का आलम यह है कि शेषनेत्र झील पूरी तरह जम चुकी है। यहां बहने वाली ऋषि गंगा नदी भी 80% तक बर्फ बन चुकी है। तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे लुढ़का हुआ है। ठंड का सतम इस कदर हावी है कि धूप निकलने के बाद भी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सिर्फ सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवान ही वहां रुके हैं। टेम्परेचर यहाँ पे तापमान इतना शून्य से नीचे पहुंच गया है कि बहता हुआ झरना भी देखिएगा वो भी जम चुका है, और जमने के बाद उसकी जो सुंदरता निखर के आती है, सचमुच प्रकृति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो प्रकृति है और यही तो पहाड़ों की सुंदरता है। परिकल्पना भी कभी हमने नहीं की थी कि नेचर की ब्यूटीफुल जो ये फवारा आ रहा है, जो बर्फ जमी हुई है, उसके बराबर दूसरा नजारा नहीं देखा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें श्रीनगर से भी आई हैं, जहां डल झील तो पहले ही जम चुकी थी लेकिन अब बाकी जगह भी बर्फ से सब जमने लगा है। श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर एक जगह पूरा पेड़ ही बर्फ में तब्दील हो गया। ये पेड़ जो जड़ से लेकर करीब 15 फीट की ऊंचाई तक बर्फ में लिपट गया है, गुलमर्ग जाने वाले हर टूरिस्ट की पहली पसंद बन गया है। हर कोई इस पेड़ के साथ सेल्फी लेने में जुटा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मन मोह लेने वाले इस नजारे के लिए यहाँ बहुत से लोग इसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। ये खिंचाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस कुदरत के अजूबे को, और कहीं न कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में खासकर पहाड़ी इलाकों में कितनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी देखा नहीं ऐसा लाइफ के अंदर। बड़ा यूनिक कंसेप्ट सा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है देख के। स्पेशल रोकी है कार यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए। स्पेशल इसीलिए इस सीजन में हमने बनाया कि ठंड में ही जाएंगे कश्मीर, गर्मियों में तो सभी आते हैं, हमने कहा ठंड में जाएंगे, ठंड का मजा लेंगे। कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों से तापमान लगातार 0 से नीचे दर्ज हुआ है। डल झील का जहाँ आधे से ज्यादा हिस्सा जम गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी ठहरा है जम गया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। भारी बर्फबारी का ये नजारा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ियों का है, जहां नया साल भारी बर्फ लेकर आया। राजौरी के पीर पंजाल में ताजा बर्फबारी हुई, और वो भी इतनी कि सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक गई। मुश्किल ये है कि इतनी बर्फ से गाड़ियों का सड़क पर चलना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। तो जाहिर तौर पर